हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो उसके लिए मैंने एक बैंगन लिया है और फ्रिज में रखा था। अगर फ्रिज में रखा रहे तो उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दीजिए, जिससे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब इसको हम गैस पे भूनेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी धीमी आँच पर चार टुकड़े काट के भून सकते हैं, लेकिन मैं गैस पर भूनती हूँ। और तीन टमाटर है, इसको भी भून लेंगे। अब मैं बैंगन, कई लोग तेल लगाते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बढ़िया भुन जाता है। आप चाहें तो ऊपर से तेल भी चिपड़ सकते हैं। अब इसको धीमी आंच पे मैं ऐसे ही रख के भुनती रहूँगी। जब थोड़ी देर के बाद, 2-3 मिनट के बाद देखेंगे, अगर भुन गया हो तो फिर साइड चेंज करेंगे। ऐसे धीमे धीमे ये भुनता रहेगा। साइड में थोड़ी जगह है तो मैं वहाँ पर टमाटर भी देखती हूँ, एडजस्ट कर देती हूँ। 2 मिनट हमारा भुना है, थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। इसी तरह हम पूरा घुमा घुमा के भुनेंगे। टमाटर को भी घुमा देते हैं थोड़ा। बैंगन हमारा देखिए भुन गया है। अब इसको हम हटा लेंगे और टमाटर को भी थोड़ी देर और भून लेते हैं। वैसे अगर आप नहीं भुनना चाहते हैं तो इसको माइक्रोवेव में उबाल करके, छिलका निकाल करके तभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो भुने हुए टमाटर थे उसको चॉप कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं, आप चाहें तो और बारीक चॉप कर सकते हैं। मैं इसको मिक्सी में एक बार चला दूँगी। अब इसको हमको बैंगन को छिल लेना है और इसमें से जो बीज हैं वो हम खुरच करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी करिएगा। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से तोड़ करके और फिर इसको मैश करेंगे। तोड़ने से क्या रहेगा कि बड़े जो रेशे हैं वो नहीं रहेंगे। कटोरी की सहायता से हम इस तरह मैश कर देंगे। और एक आलू है उसको भी हम मैश करेंगे। तो ये मैश हो जाए उसके बाद हम, और मिक्सी में मैं टमाटर पीस लूँ, फिर कढ़ाई चढ़ाते हैं। भरता बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा पनीर जो डाल रही हूँ, आप कच्चा भी डाल सकते हैं। मैं ज़रा इसको हल्का सा एक बार डाल करके फिर निकाल लूँगी। भरता नॉर्मली सरसों के तेल में ही बनता है, लेकिन आप चाहें तो दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम देंगे जीरा और हींग का तड़का। साथ में इसमें लहसुन ज़्यादा चाहिए, मैंने 3-4 लहसुन चॉप करके रखी हुई है, वो डाल देंगे। अब मैं डाल दूँगी चॉप्ड प्याज। इसमें हमने प्याज भी डाल दिया है, 1 हरी मिर्च डाली है, हल्दी डाल दिया है। और हरी मिर्च का मैंने बीज निकाल के डाला है। हरी मिर्च बस फ्लेवर के लिए ले रही हूँ। और तीखापन के लिए मैंने लिया है लाल मिर्च थोड़ी सी, कश्मीरी मिर्च और भुना जीरा। और मसाले हम नहीं डालेंगे। अब मैं डाल दूँगी बैंगन और इसको थोड़ी देर हम भुनेंगे। टमाटर भी डाल देंगे जो मिक्सी में पीसा था। और इसमें हम डालेंगे काला नमक और नॉर्मल नमक। ये काला नमक हो गया और ये नॉर्मल नमक। थोड़ी आंच अब तेज कर देंगे और प्याज जब तक अपना बिल्कुल अच्छी तरह पक नहीं जाए तब तक इसको भुनेंगे। ये हमारा बैंगन भुन गया है। थोड़ा सा ग्रेट करके, ऑप्शनल है, जिंजर बारीक ग्रेटर से मैंने डाल रही हूँ, आप चाहें तो मोटे से भी डाल सकते हैं। और डाल दूँगी ये आलू, मैश करके भी डाल सकते हैं, और आपकी मर्जी है, आलू डालना चाहें तो डालें या ना डालें। और इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती और बाकी धनिया से हम गार्निश करेंगे।
और चलिए हम इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। भरता हमारा तैयार हो गया है। हमने जो पहले पनीर फ्राई किया था उसे और धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी करिएगा। थैंक यू।